गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्टिव पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का हो गया। ओके, आयत बताएंगे हमको। आयत बार बार कहती है सर हमसे कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछते हैं, आयत बताएंगे। हैज का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? सिंगुलर के साथ। उबैद प्लूरल में कौन लोग आते हैं? आई वी यू द टू नेम, टू नेम, गुड। आइए, वे एक नई कुर्सी कब तोड़ चुके हैं, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? When के बाद है या है? Have. Have होगा, क्यों? क्योंकि दे है, दे दे तोड़ने का, ब्रेक ब्रोकन, ब्रोकन आनी, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, बी आर ओ के ई एन, ब्रोकन आनी चेयर, आर न्यू चेयर। ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? व्हेन, When के बाद क्या हो जाएगा? Has या have? Has. When has a new chair been broken by, B-R-O-K-E-N, broken by, देखा क्या हो जाएगा? Them. ये आपका passive voice हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। हम तुम्हें एक किताब कब दे चुके हैं? ओके, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन, व्हेन हैव वी गिवन, गिव गिव गिवन गिवन अ बुक यू। ओके, क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस। डियर स्टूडेंट केयर कीजिएगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, जिसमें जान होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें जान नहीं होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, चलिए देखते हैं। व्हेन, व्हेन have, when have you been given, give, given, given, given a book by us, by we का क्या हो जाएगा? us। ये आपका क्या हो जाएगा? passive voice। second passive voice क्या हो जाएगा? when has a book, a book, a book being being given by, given, give, gave, given, given, g-i-v-e-n, given, g-i-v-e-n, given, given you by vika, ये क्या हो जाएगा आपका? passive voice। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में तथा नहीं शब्द साथ में आता है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में वर्ब थ्री होता है। ओके, आइए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस होता है। चलिए देखते हैं। मैं एक बड़ी खिड़की क्यों नहीं खोल लिया हूं, लिया हूं, चुका हूं, चुकनी, एक ही बात होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? क्यों को क्या कहते हैं? Why, why, why के बाद have, have, why have I, not, not, खोलने क्या कहते हैं? Open, open को open, 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 O-P-E-N-E-D, open a big
क्या चीज खिड़की क्या कहते हैं? विंडो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू। ये क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वेयर, व्हाई, ये क्या है, क्यों है ना, तो व्हाई, व्हाई हैज अ बिग विंडो, अ बिग विंडो, नॉट डब्ल्यू आई एन नॉट डी ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडो नॉट बीइंग ओपन, ओ पी ई एन ई डी, ओपन बाय मी, आई का क्या जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम मुझे पतंग कब नहीं दे चुके हो, तो कब को क्या होता है, व्हेन, व्हेन के बाद हैज या हैव, व्हेन हैव, व्हेन हैव यू, यू नॉट देने, क्या कहते हैं, गिव, गिव, गिवन, गिवन अ काइट, गिवन, गिवन अ काइट, अ काइट मी, ये क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसमें दो पैसिव वॉइस बनेंगे, पहला क्या हो जाएगा, व्हेन, डायरेक्ट इन डायरेक्ट, when, when has, when has my kite not been, a kite not, not been, not been, given, given, g I v e n, given, given you, given by, given me, given me by you, you, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस।